सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। दोस्तों, इन पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की ललक है, आप चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में एक मुकाम बनाएं और बेहतर से बेहतर परिणाम लेकर आएं, सफलता हासिल करें, इसकी शुरुआत आप सभी को अपने बहुत ही शुरुआती चरण में करनी चाहिए। और ऐसे ही एक क्लास की हम आज बात करने वाले हैं, ऐसे ही एक स्टेज की आज हम बात करने वाले हैं, क्लास 7। जनरली हम इन सब क्लास में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारे दिमाग में शुरू से बताया जाता है कि हमें 10वीं और 12वीं में बोर्ड एग्जाम देने होंगे, तो हमें 10वीं और 12वीं में कड़ी मेहनत करनी होगी, बाकी सब क्लासेस को उतना हमें ध्यान नहीं देना है और हमें बस इसे किसी तरह भी पास कर लेना है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको एक बड़ी सफलता चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 10वीं 12वीं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप क्रैक करें, तो आज ही आपको इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी होगी। आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हैं, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, उन सभी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्लास 7। आज हम बात करेंगे कि कक्षा 7 के विद्यार्थी को किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करना चाहिए, जिससे कि वह आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर पाए और एक बेहतरीन सफलता हासिल कर पाए। सबसे पहले जान लें कि अगर आप एक क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि वैरायटीज से भरे होते हैं, इसमें कि आपके सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, मोरल साइंस, ये सब सब्जेक्ट्स आप क्लास 7 के अंदर पढ़ते हैं। क्लास 8 में भी आप इनकी स्टडी करते हैं। 9th में जाने के बाद आपके सिलेबस में, आपके सब्जेक्ट्स में, सिलेबस में बढ़ोतरी होती है और सब्जेक्ट्स में कमी आती है। आज हम बात करेंगे कि कक्षा 7 के विद्यार्थी के लिए एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरीके से वो अपनी छोटी छोटी आदतों को सही करते हुए, कंसिस्टेंट रहते हुए अपनी मंजिल को हासिल कर पाए, जिससे कि वह परिणाम हासिल कर पाए जिसे उसने सोचा हुआ है। सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो हमेशा याद रखें, आज से ही, अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद से, आज से ही आपको कम से कम 3 घंटे अध्ययन करने का टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए। इसके लिए आप हर सब्जेक्ट को अलग अलग दिन पर रख सकते हैं। कोशिश करें कि आप जब भी पढ़ें, रेगुलर पढ़ने का प्रयास जरूर करें। दोस्तों, आप बहुत सारे बच्चों से सुनते होंगे, अपने भाइयों बहनों से जो बड़े बड़े क्लास में होंगे या जो भी टॉपर होते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को शुरुआत से ही बहुत ज्यादा हैबिट में लाया, मैं बहुत ज्यादा प्रयास करता था रेगुलर और कंसिस्टेंट रहने का। तो एज ए स्टूडेंट, आप प्रयास ये करें कि मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैं 2 से 3 घंटे की पढ़ाई डेली करने वाला हूं। और दूसरी बात, जब भी आप पढ़ें तो एक उद्देश्य के साथ पढ़ें, एक टारगेट के साथ पढ़ें। अगर आपने आज डिसाइड किया कि मैं रैशनल नंबर चैप्टर के, मान लीजिए मैथमेटिक्स में रैशनल नंबर चैप्टर के आज मुझे 50 सवाल लगाने हैं, तो आपने इस टारगेट को बना लिया। अब इस टारगेट को आपको उसी दिन पूरा करना है। जैसे ऐसे आपने छोटे छोटे टारगेट्स को, मान लीजिए कि आज आपने डिसाइड किया कि आज मैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर मैं नाउन चैप्टर को पढ़ने वाला हूँ, नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के यूजेस पढ़ने वाला हूँ, उसके ऊपर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाला हूँ, तो आपने इस टारगेट को आज डेट के हिसाब से लिख लिया और धीमे धीमे करके इस टारगेट को आज आप पूरा करें। जैसे ऐसे आपकी एक जीत आएगी, वैसे ही वैसे आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत ही बेसिक क्लास है, इसके अंदर आपको अपने बेस पर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। दूसरी बात, रटने से बहुत ज्यादा बचें। बिना समझे बहुत सारे बच्चे सिर्फ अंक लाने के लिए रटना चालू कर देते हैं, बिना समझे उनको सब्जेक्ट की समझ नहीं होती, लेकिन फिर भी वह क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर को लर्न करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी। मान लीजिए कि आप साइंस में चैप्टर पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट के अंदर आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, और आपने यह रट लिया कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सर्टेन सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, लेकिन आपको इसकी समझ नहीं है, तो आज के समय में आपको टेक्नो फ्रेंडली होना होगा। यानी कि आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही, उसको आपको सीधा जाकर के गूगल पर, यूट्यूब पर उसके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। जब भी आप
साइंस को पढ़ें, मैथमेटिक्स को पढ़ें, तो प्रैक्टिकल चीजों से कनेक्ट करने का प्रयास करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल चीजों से अध्ययन करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल चीजों से पढ़ाई करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका सफल होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। कोशिश करें कि जब भी आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी ज्यादा लगाएं, यानी कि आप रटने के बजाय आप कोशिश करें कि मैं कितना ज्यादा चीजों को समझ कर पढ़ूं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन वह लगातार कॉन्टिन्यूस नहीं पढ़ पाते, सेशंस में नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम यहाँ पर कुछ समय तक काम करते हैं, फिर हम एक हेल्दी ब्रेक लेते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। मान लीजिए कि आपने टारगेट सेट किया कि आज मुझे 3 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो आपको करना यह है कि आपने 30 मिनट्स की पढ़ाई की, 5 मिनट्स का आपने ब्रेक लिया, फिर 30 मिनट्स का आपने पढ़ाई की, 5 मिनट्स का आपने ब्रेक लिया। उस ब्रेक के दौरान आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ना तो कोई गैजेट छुएंगे, ना ही कोई ऐसी चीज छुएंगे जो आपको आपकी पढ़ाई से दूर लेकर जाएगी। आप चाहें तो वॉकिंग कर लें, एक्सरसाइज आप चाहें तो कोई कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने चेयर और टेबल पर आप बैठे रह सकते हैं। और दूसरी हमेशा बात इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ें तो अपने पोस्चर पर बहुत ज्यादा काम करें, क्योंकि आप एक विद्यार्थी जीवन में हैं, आपको बहुत ज्यादा अच्छा करना है। आपने यह ठाना है कि मैं शुरुआत से ही अपने अंदर वो हैबिट लाऊंगा जो बाद में बहुत सारे टॉपर्स आपको बताते होंगे, आप बहुत सारे वीडियो जरूर सुनते होंगे। आज के समय में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं जिसके पास सेलफोन ना हो और वह इन चीजों के बारे में जानने का उत्सुक ना रहता हो। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपने अंदर वो हैबिट्स पहले से याद लाएंगे जो हैबिट्स बाद में बहुत सारे विद्यार्थी लाते हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छा करते हैं। तो आपको भी यही करना है कि आपको 30 मिनट्स आपने ब्रेक लिया, 30 मिनट्स आपने पढ़ाई की, 5 मिनट आपने ब्रेक लिया, इसी तरह से सेशन आप पढ़ते चले जाइए। छोटे छोटे सेशंस रखिए, प्रोडक्टिव सेशंस रखिए, इसके साथ ही साथ अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखिए, यानी कि हेल्दी डाइट लीजिए। जंक फूड जितने भी चीजें हैं, चाहे वह बर्गर, पिज्जा, इन सारी चीजों को अवॉइड करिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को नकार देते हैं, चीजों को नहीं खाते हैं, तो आपको भी एक स्टूडेंट होने के नाते हेल्दी रहना, प्रोडक्टिव रहना, अटेंटिव रहना आपको ये जरूर होना चाहिए। और एक क्लास 7th के विद्यार्थी से इतनी एक्सपेक्टेशन अगर आप होनी चाहिए कि आप क्या खाते हैं, क्या आपकी दिनचर्या है, इन सारी चीजों को आप नोट करना सीखें, क्योंकि आप जैसे जैसे अपने हैबिट बनाएंगे 21 दिन के बाद आपकी वो हैबिट आपकी आदत बन जाएगी और आपको वो चीजें करने में बहुत ज्यादा आनंद आने लगेगा। तो उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो मेरे क्लास 7th के भाई बहनों के लिए बहुत ही बेहतरीन आपको लगा होगा। मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आप सभी को मैं ये बताऊं कि आपके लिए एक क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप इस क्लास में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट और सीखने के प्रोसेस में आप किस तरीके से एक बड़े रिजल्ट की तरफ आप बढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने प्यारे परिवार APN क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी जर्नी में हमारे साथ आगे बढ़ें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।